सो गुलीज वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्यार से होंगे अपने घर में। आप सभी लोगों को मालूम है, एक तो मेरा चेहरा इतना दर्द कर रहा है, हंस हंस के इतनी स्माइल कर ली मैंने, और सबको मालूम है इसका रीजन क्या है, क्योंकि पहली बार मैंने जिंदगी में अपनी सेल्फ अर्न कार खरीदी है जिसमें मैं अभी बैठी हूँ। मम्मी पापा किसी को भी कुछ नहीं मालूम, नई गाड़ी खरीदनी थी बट फॉर्चुनेटली मुझे सेकंड हैंड इतने अच्छे प्राइस में नई की नई एकदम बिना चली हुई गाड़ी मिल गई, तो आई एम सो हैप्पी। और अभी घर लेके जा रहे हैं गाड़ी। पहले की वीडियो देखना जिसने नहीं देखी, मैं गाड़ी लेने के लिए गई थी, सब कुछ मैंने वहां किया था, सारी पूरी जर्नी है मेरी वहां पे, बहुत कुछ बताया मैंने उस वीडियो में आप लोगों को, तो जिसने नहीं वो वीडियो देखी वो जाके देखना। एंड मतलब आई कांट इवन टेल यू मेरा रिएक्शन क्या है अभी, मुझे कितनी खुशी हो रही है, मेरी क्या एक्साइटमेंट है कि मम्मी जब देखेगी, पापा देखेंगे, उनको कितनी ज्यादा खुशी मिलेगी। हम लोग पहली ऑफिशियल अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं पूरी जिंदगी की, हमारे पास अब से पहले कोई गाड़ी नहीं थी। अभी ये गाड़ी साफ कर रहा है और हम लोग फटाफट से गाड़ी को थोड़ा डेकोरेट कर रहे हैं ताकि घर में लेके जाएं, तो उनका रिएक्शन थोड़ा और अच्छा है। वैसे मेरी फट रही है घर ले जाने में, क्योंकि किसी को भी नहीं पता घर में, मम्मी इतनी चुल्ली, उन्होंने मेरे को फोन पे बात करते हुए पकड़ लिया, और मम्मी को पहले पता ही था कि मुझे गाड़ी वाड़ी लेनी है। फिर मैंने यही सोचा कि यार इतना बड़ा डिसीजन है लाइफ का, तो मैंने मम्मी को बता दिया था, पर ये नहीं बताया था कि आज गाड़ी आने वाली है, ये कैसी है, कौन सी है, कितने की, सारी चीजें कुछ नहीं पता मम्मी को अभी। एंड उनका रिएक्शन देखेगी कैसा होता है, फटाफट से डेकोरेशन करते हैं। आई लव यू सो मच और मेरे साथ बने रहो। तो इसे भी ठीक करना पड़ेगा ना उसको। इसको ये भी नहीं पता कि गाड़ी का बोनट खुलता है। मैंने कहा ये बोनट खोल के रिबन बांधा जाता है, तो ऐसे बांधते हैं। कह रही नहीं खुलेगा ही नहीं, खुलेगा ही नहीं। ऑटोमेटिक यार खुलता है भाई, देख ले, बंद भी कर रही है ना, टूट गया। न्यू कार पे डेकोरेट, वैसे ये मैं कर रहा था, इसने मेरे को बोला है कि मेरा व्लॉग बना, वरना ये मैं करने वाला था। कुछ चाबी दियो गाड़ी की, एक बारी गाड़ी की चाबी दे, चिल्लाऊंगी। ये गाड़ी पूरी साफ हो चुकी है और आगे से मैं दिखा दूं। हाँ। फ्लावर्स लगा दिए और ये रिबन। ओ बस कर यार, रोज साफ करनी है अब इसको, आज ही मत कर, रोज चढ़ेगी इसमें मिट्टी, रोज उतारनी है तेरे को। प्लीज ये देखो, हमने जितनी हो पाई उतनी डेकोरेशन करने की कोशिश की, और ये यहाँ पे फ्लावर्स लगाए हैं, यहाँ लगाए हैं, यहाँ, यार इतना ही कर सकते थे इतने कम टाइमिंग पे, और घर वालों के डंडा। मेरी मम्मी फोन करी जा रही है, कह रही है जल्दी आ घर, जल्दी आ। उनको तो पता नहीं है क्योंकि ऐसे गाड़ी वाला कुछ प्लान होने वाले। मम्मी कह रही है तू घूमती रहा कर, अभी जब मैं घर जाऊंगी उनका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। फट पूरी दूसरे की गाड़ी बजा दूंगी। फटाफट से अभी एक मिठाई ले लेते हैं जल्दी से घर वालों के लिए, एंड तब चलते हैं, लेट्स गो। भैया पूछे इस नाम के रेड से लिख दो, अरे नहीं वो अच्छा नहीं लगता मेरे को, चलो ठीक है। हेलो अंकल, आई एम गुड। नहीं ना, अब यशु का आएगा। अरे यार हेलो चली मित्र, अच्छा चल ठीक है ठीक है। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, केक, मिठाई, डेकोरेशन, यस, ये सारे काम हो गए हैं, अब सिर्फ हम घर जा रहे हैं। देखो पता है मेरा जबड़ा दुख रहा है कल से, हंस हंस के इतनी स्माइल कर रही हूँ मैं, इतना कंट्रोल करके बैठी हूँ सारी चीजों को। सीरियसली यार मैं कितनी बार बोलूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है अभी, और फटाफट से हम लोग जाएंगे घर पे। गुनगुन अभी फोन करके कह रही है रौनक दीदी आते टाइम ना मेरे लिए वो लेके आना जलेबी और समोसे। मैंने कहा इसको कोई आइडिया नहीं हम कहाँ फंस रहे हैं भाई, हमें स्वीट की दुकान भी नहीं मिली यहाँ पे ढंग की कोई, तो हमने नॉर्मली अभी स्वीट ली है क्योंकि थोड़ा तो मुँह मीठा होना चाहिए, और बाकी केक लिया है। अभी हम लोगों को मंदिर जाना है, और मंदिर से पहले सुन मेरी मम्मी मेरा घंटा ना बजा दे पहले कि ये क्या गाड़ी लेके आई है, ये तो मेरे दिमाग में ज्यादा बड़ी बनेगी, ऐसा बनेगी, ऐसा तो नहीं कहेगी। इसने अप्रूवल दी थी कि बहुत अच्छी गाड़ी पसंद की है यशु तूने, और बेस्ट गाड़ी है। पता है मैं जिसको भी बता रही हूँ ना इस गाड़ी के बारे में, हर कोई यही कह रहा है कि यार हमें भी दिलवा दो ऐसी गाड़ी। दिस इज कॉल्ड ट्रस्ट, जिन अंकल पे मुझे था और जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी गाड़ी दी। पर सच में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, सीरियसली थैंक यू सो मच अंकल। अगर आप मेरा व्लॉग देखें, गाड़ी एकदम क्लीन प्लस ऑटोमेटिक प्लस सिर्फ 22,000 चली गई प्लस 1000 cc का इंजन, पहाड़ पे भी यूं चलेगी ना, जैसे ऐसे ऐसे घर के पास जा रहे हो, मेरे ऐसा ऐसा हो रहा है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा यार। अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, रुक जा यार, वो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मम्मी को क्या बोलूंगी, किसकी गाड़ी है, कौन है, क्या नहीं है, क्या आंटी को कॉल करके सारे नीचे आ जाओ आप लोग। यार मेरे को नहीं पता, अब ये बता इसको करना कैसे, और जो पता है अब समझ आया फ्रस्ट्रेशन कितनी होती है जब ये गाड़ी चलाता है। मैम बात कर ले, टाइम स्पेंड कर ले, तू बात नहीं कर, और जब मैं गाड़ी अभी चला रही थी एकदम ऐसे चुप रहे, सांस भी मत ले।
नीचे आओगे पापा आप और गुनू एक बारी। मैं कह रही हूँ नीचे आओ, नीचे जल्दी आओ, जल्दी भाग के एकदम दुन 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 दुन। अरे आओ तो सही, गुनू को लेके आना और अभी पहले आप और गुनू आ जाओ तो भाग के, और पापा अगर आ पाए तो बहुत ही बढ़िया। चलो अगर यार क्या करूं, उठा दो एक बारी। अरे पर जल्दी आओ, अगर पापा भी नहीं होंगे अभी तो पहले आप और गुनू जल्दी भाग के आना नीचे। अपनी गली में एंटर कर रही हूँ अपनी गाड़ी के साथ। आ जाओ चौधरी, अपनी गाड़ी निकालते थे ना मेरे आगे, पीपी बजा तू पूरी गाड़ी। नहीं इतना भी यार अभी नहीं दिखाना प्लीज। और भाई अंकल क्या हाल है? अरे अंकल आ रही हूँ अभी थोड़ी देर में, कोई भी नहीं दिख रहा गली में, अभी कहाँ से दिख जाएंगे। आंटी को दोबारा कॉल कर देना एक बार। चुप रहे चुप रहे। नहीं यार मेरी मम्मी गाड़ी छुपा के खड़ी कर रहा हूँ। एक काम कर सकते हैं, अपनी वाली गली के अंदर डाल सकते हैं गाड़ी, अंदर 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 जा स्कूटी खड़ी। अबे गुन्नू को कोई आइडिया ही नहीं है किसकी गाड़ी है। हाय कांग्रेचुलेशंस गुनगुन, दिस इज योर कार मम्मा। हाँ आपकी कसम ये आगे से डेकोरेटेड है। तू तो कह रही थी सेकंड हैंड है। हाँ तो सेकंड हैंड ही है ये। ये तो नहीं है। नहीं नहीं है, पागल है, सेकंड हैंड है। आ रहा हूँ एक मिनट। ठीक है लेडी। मम्मी रुक जाओ यार, मम्मी सबके आगे नहीं चिल्लाना, रुक जाओ आराम से। चोरी की गाड़ी है, ऐसे नहीं करते। बेल बेल्ट लगा के दिखाओ भाई। इसको बेल्ट लगानी नहीं आती, मुझे बेल्ट लगानी नहीं आती। बेल्ट कैसे लगेगी? देखो अब मैं सीख चुकी हूँ, मैंने ट्यूटोरियल देखा था। अरे मेरी बच्ची क्या, ओए मेरी बेटी। पापा कहाँ? पापा दवाई डाल रही। दवाई डाल रही है कहाँ? आँख में दवाई डाल के सो गई। कह रही मैंने बेल्ट लगा ली है। सक्सेसफुल। मम्मी मैं कार से जाऊंगी। मारियो हाथी। अभी वो दिख ही रहा है। पहली कार चौड़ में जाएंगे। आंटी ड्राइवर चाबी पकड़ाते हैं। सॉरी मेरे को तकलीफ नहीं है ना, चाबी पकड़ानी होती है। मम्मी यहाँ पे आदमी है बहुत सारे। गाड़ी पागल आंटी वगैरह वगैरह को तो बुला ले ऊपर से। हाँ बुला ले आंटी, कह रही तो बुला ले। मम्मी मंदिर चले आप सारे? हाँ चल। हाय मम्मी, पापा नहीं आएंगे क्या? वो रखी आशु, वो रखी है दवाई लगा रखी है उन्होंने आँखों में। एक बार आ जाते तो शायद अच्छा रहता है। मैंने बोला था, मैंने अच्छा, चलो नीचे। कह रहे मेरे आँखों में दवाई डाल रखी है, ऊपर से ना दर्द हो रहा था। ऐसे नहीं करते। आपने कभी सोचा था ये जो इतनी छोटी सी नाच रही है शादी में, ये ऐसी करेगी? ऐसी करेगी। आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा? अब आप भी चौड़ में गाड़ी में बैठ सकते हो। अभी कह रही है अब बताओ भैया, आप सीट बेल्ट लगाने के लिए कह रहे थे, अब बताऊँ आपको मैं? गुनगुन लाइट ऑफ करना जरा गाड़ी की। कह रही मुझे आती है। वो आंटी ऊपर जाके कहाँ शोर मचा दिया आंटी ने। मम्मी भाई मेरी मम्मी को इतना हो रहा है, गाड़ी ऊपर से गाड़ी ली, रोनिंग ने गाड़ी ली ऊपर से। आवाजें देख कितनी आ रही हैं। ओ भाई लोग भागते हुए आ रहे हैं, 5-6 50 बंदे आ रहे हैं क्या? रोड तक चलाई है इसने काफी। मम्मी सबके लिए सरप्राइज था। दिस इज ऑटोमेटिक। गलत पता खाने का। $1 पर सो ब्रावो। सॉरी मैं तो बैठी हूं, कोई बैठे ना यशु केक पड़ा है पीछे। यशु केक एक बार देख ले, वो बिगड़ ना जाए पीछे। मम्मा केक रखा है पीछे। तो गुनगुन आगे आ जाना। हाँ हाँ अंकल के साथ गाड़ी है ना। नहीं गुनगुन सीट बेल्ट के साथ, बेल्ट पहले लगा ली अंकल। इधर देखो बस एक माला फूल प्लीज।
खुश हो जाओ। अरे वाह स्माइल, 20 गिव मी 20 रुपीस। जबड़ा निकाल रही है। गाड़ी को पिनाओगी? अपनी गाड़ी को पिनाओगे? मैं अभी तो आपकी गाड़ी हूँ। ये किसका केक है? मम्मी को तो अलग ही खुशी हो रही है भाई। यार क्यों नहीं होती यार, बच्चे कामयाब हो और डालना पड़ जाए। ये चल जाए बस। वो मम्मी यशु कांग्रेस गुली सब आओ सब आंटियों। यार 2020 रूम वाले कितना ब्लिसफुल रहा है यार, मेरे लिए तो सच में बहुत ही अच्छा रहा है। YouTube स्टार्ट भी 2022 में ही किया, अपनी फर्स्ट कार भी 2022 में ही ली। दिसंबर या जनवरी के आसपास किया था इसने, इसी टाइम के आसपास। तभी रेगुलर नहीं थी। आशु हो गई थी इसकी। आशु खोलेगा कब तेरा ये? कैसे लेके जाओगे? अरे वहाँ लेके आओ फिर दी। पहले भैया को तो दे दो। अरे वाह भैया मैंने गाड़ी ली है। गिरी आप भी खाओगे? पैसेंजर से भी पूछ रही आप भी खाओगे? जिंदगी में पहली बार मुझे शूर्पण खा नहीं लगी आज। नहीं तो मैं इनको रोज राक्षस ही समझती थी। और चाहिए? नहीं नहीं। चलो आगे देखते हैं। मेरी गोदी में आ जाओ भैया, मेरी गोदी से साइड हो जाओ। ये गोदी में ले लेगा ना? नहीं आप गोदी में बैठ जाओ तो मुझे दिक्कत नहीं है। क्या बैठ जाओ आराम से। आशु कह रहा है ऐसी सिचुएशन में बैठो तो मैं अपना संभाल नहीं पाऊंगा। अरे कृष्णा आशु भाई की मुझसे मैंने पहली बार सुना है। उन्होंने अपनी गली में घुसा ली? नहीं इतनी औकात नहीं है। खड़ी कहाँ करोगे यार? रौनक सही चला रही है तू तो यार। थैंक यू भाई, यही मेरे को चाहिए था कि रिएक्शन मेरे मम्मी पापा को दिखे जिस दिन मैं गाड़ी चलाऊं। तो ये लग रहा था पता नहीं इधर से चलेगी कि नहीं। मैंने जिस दिन पहले दिन चलाई मैं भैया को कह रही हूँ, पहले दिन ही भैया रेस सिखा वो गियर ब्रेक सिखा दो। भैया कह रहे जितना सिखाओ उतने पे काम करो। मैंने नहीं ये नहीं भगाने वाली, इतनी ठीक है ये भगाने भी नहीं वाली। वैसे नहीं रौनक ना स्कूटी को ही नहीं भगाती, 30 की स्पीड में चला रही है गाड़ी। मजा भी नहीं आ रहा, साइकिल तेज जा रही होती है। वेरी गुड रौनक, वेरी गुड बेटा। मैं बहुत कंजूस हूँ, गाड़ी खरीद ली पर चलाऊंगी या नहीं ये नहीं पता। ये पेट्रोल के पैसे नहीं देने वाली आंटी। पीछे ये आती है ना करनी, मम्मी इसको भी खिला दो कुछ। चल ही नहीं रहा, क्या करते बांधे आशु? चलने के लिए बांध दो। चल 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 अंदर बैठा दो गाड़ी में, कोई बात नहीं। ओए ये हमने ये दिखाया था मेरी बच्ची, दिस एक्सेप्ट करेंगे। यस बांधो 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 बस 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 लटकना नीचे। थैंक यू प्लीज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच यार, आप लोगों की वजह से ही तो ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया। मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन इतना ज़्यादा अच्छा था। आप लोगों ने खुद देखा उनको कितनी एकदम ऐसे चमक आ गई थी आँखों में। खैर पापा की आँखों में प्रॉब्लम हो रखी थी तो उन्होंने दवाई डाल रखी थी तो वो रात को उस दिन नहीं आए। बट नेक्स्ट डे हम लोग गुनू को सुबह स्कूल छोड़ने के लिए गए थे, मतलब गुनू का उस दिन फंक्शन था स्कूल में और उसने साड़ी पहनी हुई थी। हम लोग गाड़ी से छोड़ने के लिए गए थे, वो इतना अच्छा था, वो सब भी कैप्चर करा है। मतलब कल की वीडियो में नहीं तो परसों की वीडियो में आएगा एंड उसको भी देखना। मैंने नोट
नोटिस किया, आप लोग कमेंट्स में बताते हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं कुछ लाइफ में कर नहीं पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, इट्स ओके. आप अपने 20s में अगर ये चाहोगे ना, आप सेटल हो जाओ, आप नहीं हो सकते. ये सिर्फ एक्सप्लोरिंग टाइम होता है, आपको खुद भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम अभी मेरी लाइफ में क्या लिखा है. मुझे यूट्यूबर ही बनना है कि आगे क्या बनना है, मेरी भी गोल्स है, बट मुझे नहीं मालूम कि मेरी लाइफ में आगे क्या लिखा है. तो इतना स्ट्रेस मत लो, बट सिर्फ एक चीज़ करिए, मेहनत करते रहो विदाउट स्ट्रेस, माँ बाप को खुश रखो, खुद खुश रहो. एंड थैंक यू सो मच.